हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम दम आलू बोलते हैं। ये आलू दम पूरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे जैसे कि हम हलवाई वाला टेस्ट अपने घर में बना के पूरी आलू दम खा सकते हैं। ये तो हर घर में बनता है, लेकिन थोड़ी सी आप सावधानी बरतें तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, जैसे कि फोरन को रोस्ट करना, मसाले की प्रिपरेशन। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम एकदम होटल जैसे हलवाई आलू दम आलू बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पूरी वाले आलू दम के लिए सबसे पहले हम कढ़ाही को गर्म करेंगे। कढ़ाही में हम धनिया को सेकेंगे। यहाँ पे हम अखा धनिया को इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम एकदम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि इसकी नमी को हम दूर करेंगे। साथ में हम उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को भी हम भूनेंगे। तो इसे हमें एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है, यानी कि इसकी मॉइस्चर दूर करने के लिए। जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। हमने कुछ मिनट के लिए धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हमें इसे एक बॉल में निकाल लेना है। हमने धनिया जीरा को एक बॉल में निकाल लिया है। अब अपनी कढ़ाई गर्म ही है, इसमें हम डालेंगे फोरन। तो यहाँ पे हम फोरन में जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, लौंग, यानी कि पचफोरन हम इसमें यूज करेंगे और इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे एकदम स्लो फ्लेम में। हलवाई लोग यही करते हैं, पहले सूखे मसाले को ड्राई रोस्ट करके और उसका तेल बाहर आने देते हैं, फिर तेल डालते हैं। तो तेल में अच्छे से आरोमा आ जाता है अपना फोरन का। ध्यान रहे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके हमें ये सब प्रोसेस करना है। फोरन को हमने अच्छे से भून लिया है, एकदम सूखा भुना है। आप देख सकते हैं इससे खुशबू आने लगी है। अब हम इस स्टेज पे तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो यही एक दो टिप्स है अपना हलवाई वाला आलू दम बनाने का। अब हम तेल को गरम होने देंगे और फोरन को हल्का सा पकने देंगे। आप देख सकते हैं तेल में अपना फोरन अच्छे से भून चुका है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस स्टेज पे अपना प्याज डालेंगे। तो हम प्याज को यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट किए हैं। इसे हमने न मिक्सर जार में पीसा है, न बारीक काटा है, मोटा वाला ग्रेटर से हमने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि अपनी दम आलू में अच्छी सी हल्की हल्की प्याज की क्रंच आए और प्याज गला हुआ दिखे। अपनी दम आलू में हल्की सी प्याज की क्रंच रहनी चाहिए और ग्रेवी भी एकदम बढ़िया बननी चाहिए। तो हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं प्याज अपना गल चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 4 हरी मिर्ची जिसे हमने बीच में चीरा लगा लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेटर से ग्रेट किया है, क्योंकि हमें दम में सभी मसाले का टेस्ट आना चाहिए। तो हमने उसे पेस्ट नहीं बनाया, ग्रेटर से ग्रेट किया है। आप चाहें तो दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। और 1 मिनट तक हम प्याज के साथ अदरक को भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक मिर्च को भी हमने भून लिया। अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ा टमाटर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है।
आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, लेकिन बारीक घिसा हुआ किया हुआ टमाटर ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है टिड्डी वाले का मालूम है। अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब तक टमाटर अपना भून रहा है तब तक हमने जो धनिया और जीरा रोस्ट करके रखा था उसे एक मसाला कूटने वाला में हम कूट लेंगे। तो हम उसमें अब डाल देंगे, ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अच्छे से कूट भी जाएगा और धीरे धीरे हम उसे दरदरा कूट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से दरदरा कूट लिया है। तो ये दम आलू में ऐसे ही धनिया जीरा रोस्ट करके उसे ठंडा करके कूट के डालते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी के मसाला हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। अब हम सभी मसाले को मिक्स कर लेंगे, हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये अपना पूरी वाला दम आलू के लिए मसाला हमने तैयार कर लिया। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अपना प्याज टमाटर गल चुका है। अब हम इस स्टेज पे नमक डालेंगे। तो हम स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज और टमाटर और थोड़ा गल जाएगा। तो हम 2 मिनट तक इसे नमक डालने के बाद चला लेंगे। अपना प्याज टमाटर से तेल छूट गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाला डालेंगे जिसे हमने रोस्ट करके कूटा था और मिक्स किया था। तो हम अच्छे से मसाला डाल देंगे। मसाला को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे क्योंकि अपना धनिया जो है वो तो भुना हुआ है, जीरा भी भुना हुआ है। तो हम हल्दी को थोड़ा सा भून के पका लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा अपना हलवाई स्टाइल दम आलू की ग्रेवी बन रही है। यही सब खास रीजन है कि हलवाई वाला दम आलू इतना टेस्टी होता है, जो कि पूरी के साथ खाने में मजा आ जाता है। आप देख सकते हैं अपना मसाला अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है। अब हम इस स्टेज पे अपना आलू डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 आलू को बॉयल करके पील कर लिया है। अब हम इसे एक फोक की मदद से तोड़ेंगे क्योंकि हमें आलू को काटना नहीं है, बड़े बड़े पीसेस में इसे तोड़ लेना है। तो आपको जिससे सुविधा लगे उसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं या फोक से भी तोड़ सकते हैं। आलू को हमने बड़े बड़े टुकड़े में तोड़ लिया है। इसमें जो बारीक पेस्ट जैसा हुआ है वही तो ग्रेवी में गल के बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसे मसाला में मिक्स कर लेंगे। जो बड़ा पीस है उसे हम स्पैटुला से तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हम मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। क्या सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में तो इसका टेस्ट आप खाएंगे तो ही पता चलेगा। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार डालिए, किसी को गाढ़ा पसंद होता है, किसी को पतला, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और हम अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे इसकी। अभी अपनी ग्रेवी गाढ़ी है तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो 1/2 ग्लास हम और पानी ऐड कर ले रहे हैं क्योंकि आलू की सब्जी जब ठंडी होती है तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये अपना आलू दम दिख रहा है। हमने मसाला को मिक्स कर लिया और इसे इसे कवर करके और 1.5 से 2 मिनट तक पेस्ट में उबाल लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, हम कवर हटा ले रहे हैं।
अब देख सकते हैं कढ़ाई के ऊपर तेल छोड़ दिया है। अच्छे से उबाल आने के बाद दम आलू में ऐसे ही होता है। अब हम एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पे धनिया पत्ता डालिए, हमें तो कसूरी मेथी दम आलू में बहुत पसंद है तो हम डालते हैं। अब हम मिक्स करके और इसे कवर करके 2 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। मिनट हो चुका है, चलिए हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आई है अपनी दम आलू की। चलिए हम गर्मा गर्म दम आलू सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। हमें ऐसी ही गाढ़ी दम आलू चाहिए होती है पूरी के साथ सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया दम आलू बनाना कितना आसान है। इसे हमने बहुत ही आसानी से घर पे तैयार किया। इसका स्वाद का जोड़ नहीं है, इसे आप कभी भी बना सकते हैं। कोई भी पार्टी हो या गेस्ट आए या आप अपने बच्चों के लिए लंच डिनर में, इसे आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।